आखिर ऐसी क्या बात है जो रूस, अमेरिका और सऊदी अरबिया को पूरी तरह बर्बाद करने पे तुला हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं आखिर मसला क्या है कि रूस क्यों अपनी ऑयल का प्रोडक्शन कम नहीं कर रहा है, क्यों ऑयल के प्राइसेस को धीमे धीमे डाउनग्रेड करने पर तुला हुआ है, इस ऑयल के जो प्राइसेस कम हुए इसमें फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, आइए जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि ऐसा माना जा रहा है कि रशिया चाहता है कि ऑयल की प्राइसेस तकरीबन 30 और 40 डॉलर के आसपास रहे। इसके लिए वह सऊदी अरबिया के कहने के बावजूद भी अपना ऑयल का प्रोडक्शन कम नहीं कर रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था कि रशिया ऑयल का प्रोडक्शन कम करेगा, साथ ही साथ सऊदी अरबिया भी करेगा। ओपेक की मीटिंग हुई थी और सऊदी अरबिया की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में दोनों का ये डिसीज़न हुआ था कि ऑयल की प्राइसेस कम हो रही है, इसे देखते हुए हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो शायद ऑयल की प्राइसेस पहले इतने हो सकती है, जो एक महीना पहले तकरीबन 65 डॉलर था और आज के डेट में तकरीबन 2830 डॉलर प्रति बैरल चल रहा है दोस्तों। अब इसमें बात करेंगे कि इसमें रूस को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो क्यों प्रोडक्शन कम नहीं कर रहा है, वो क्यों चाहता है कि ऑयल की प्राइसेस हमेशा 30 और 40 डॉलर के आसपास रहे। दोस्तों इसमें दरअसल मसला ये है कि रूस भी ये चाहता है कि जो 2018 में जो पूरे वर्ल्ड का ऑयल का सबसे बड़ा नंबर वन एक्सपोर्टर था, वो अपना तमगा हासिल करना चाहता है। आज के नंबर वन पे अमेरिका है जो ऑयल का प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट करता है। नंबर दो पे सऊदी अरेबिया है और नंबर तीन पर रसिया है। रसिया इसी तमके को हासिल करने, मतलब नंबर एक का अहदा पाने के लिए वो ये सब कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छे तरीके से मालूम है कि अमेरिका की जो सेल ऑयल इंडस्ट्री है वो भारी कर्जे के बीच चल रही है, मतलब उन पर काफ़ी ज़्यादा लोन्स है। और अगर रसिया इसी तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाता रहेगा और ऑयल को प्राइसेस को बढ़ने नहीं देगा, 30 से 40 के बीच में रखेगा, तो जो वहाँ की इंडस्ट्री है, वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होने की चांसेस है, इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए तो ओपेक की बात भी नहीं सुन रहा है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी इंडिया हो सकता है। आज के डेट में इंडिया को तकरीबन 2830 प्रति डॉलर बैरल मिल रहा है ऑयल, तो इंडिया को चाहिए, जो इंडिया तकरीबन एक महीने का स्टॉक रखता है रिजर्व इमरजेंसी के तौर पर, इंडिया को कम से कम तो नहीं 5 से 6 महीने तक रखना चाहिए, जो कि चीन रखता है 6 महीने का ऑयल रिजर्व इमरजेंसी के तौर पर। तो दोस्तों ऐसा आपको क्या लगता है कि रसिया को बात मान लेनी चाहिए सऊदी अरबिया की कि ऑयल का प्राइसेस थोड़ा ऊपर जावे? आप इस बारे में क्या सोचते हो? अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं रसिया गलत कर रहा है या सऊदी अरबिया सही कर रहा है या फिर अमेरिका की बात माननी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी राय क्या है, आप किस पॉइंट से सहमत हो।